नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे डिस्कवर बाइक में जो बार बार रेस बढ़ने की समस्या है, जिन बाइक में ऑटो चोक का सिस्टम है उन बाइक में क्या है कि ठंड के समय में क्या होता है कि बार बार आपकी रेस बढ़ जाती है। अगर सुबह शाम ऑटो चोक एडजस्ट करता है तब तो ठीक है कि सुबह शाम जब तक ऑटो चोक नहीं लगेगी तब स्टार्ट नहीं होगी तब तक, पर क्या होता है कि आप अगर 10-15-20 मिनट के लिए भी खड़ी कर देते हैं तब भी आपकी चोक लग जाती है बार बार, यानी रेस बढ़ जाती है। और जब तक आपकी रेस कम नहीं हो तब तक आप चला नहीं सकते, चलाते हैं तो उसमें एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के लिए हम आपको वीडियो बना रहे हैं, इसी हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मेरे सामने ये एक डिस्कवर है, इसमें यही समस्या आ रही है कि हम क्या होता है बार बार क्या होता है ये रेस बढ़ जाती है। और जब तक आपकी बाइक में रेस बढ़ेगी तब तक आप चला नहीं सकते। अब पता लगा वो आपका अगर वो दिन का समय है तब भी ऐसा होता है, और ठंड के समय में अक्सर होता है। पर क्या होता है कि ठंड के साथ साथ जब ठंड का समय कम हो जाता है तब भी ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों देखिए आप अपने घर पर भी आप अपना आराम से ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए, इसको पैनल खोला और इसको खींचा और आपकी सीट खुल गई, और सीट खुलने के बाद यहाँ पर एक लॉक होता है उसको निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक लॉक होता है, लॉक निकाल के और ये पाइप हटा दिया हमने, पाइप हटा करके धीरे से टंकी को निकाल करके यहाँ पर ये इस सॉकेट में यहाँ पर एक इसको दबा करके इस तरीके से ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि यहाँ पर एक ऑटो चोक का सिस्टम है, उसमें क्या है हमको एक स्विच लगाना है। ठीक, ऑटो चोक का देखिए ये पॉइंट होता है जो हरा वाला होता है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इसका पॉइंट है हरा वाला, और इसका भी ये पॉइंट हम इस तरीके से दबा कर निकाल दिया। ठीक, इससे दबा के निकाल दिया और हमने स्विच ले लिया है, स्विच दोस्तों देखिए ये स्विच ले लिया है पुश करने वाला। ठीक, इस तरीके से, और एक हारन की पत्ती है उसको हमने एडजस्ट कर दिया है, हारन की पत्ती है। और अगर हारन पत्ती हमको नहीं समझ आता है तो आप छोटी पत्ती भी ले लें जिसमें यानी ये स्विच इस तरीके से सेट हो जाता है, यानी स्विच इसमें 13 नंबर का होल होता है और उस स्विच को आराम से इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ 13 नंबर का होल है और इस तरीके से हारन की पत्ती होती है और भी पत्तियां होती हैं, इस तरीके पत्ती ले लिया। अब इसमें यहाँ पर लगा करके इस तरीके से आपने इसको सेट कर दिया, यानी बना लिया। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी 100 cc है तो उसमें आपको अलग से यानी 10 नंबर बोल्ट में आप टाइट कर सकते हैं। और ये स्विच तो दोस्तों जानते हैं आप सभी लोग, ज़्यादातर मिल जाता है मार्केट में। और इस तरीके से देखें दोस्तों, देखिए 125 cc में तो यहाँ पर सपोर्ट बोल्ट देते हैं कंपनी, यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। 100 cc में क्या होता है इस तरीके से यहाँ होता है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और वहाँ के अलावा भी आप यहाँ पर इस तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप इसको ऊपर नीचे कर दें, हैं, और जिस तरीके से आपको सहूलियत मिले उस तरीके से आप लगा सकते हैं। और नहीं लगाना है तो आप इसको टेप लगा करके और कहीं पर भी थोड़ी सी जगह में यानी आराम से सेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कहीं पर भी यानी अच्छा से जैसे आपको समझ में आता है, यानी यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी आपको जिस तरीके से समझ में आता है इस तरीके से यहाँ पर यानी जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक, और इस तरीके से ऑन ऑफ करने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमने इसका चोक का सिस्टम निकाल दिया है, ये वायर। ठीक, हमने दो वायर इसमें जोड़े हैं। अब हम लोग मैकेनिक भाई होते हैं तो इसलिए हम जो करें आपका यानी अपनी बाइक का किसी भी बाइक का वो सिस्टम से करें। अब क्या है कि इस वायर को आपको कट करना है, और कट करके दो वायर जो हमने इस स्विच में लगाया है, एक वायर कट करके इस साइड और एक इस साइड, इस तरीके से हमने लगा दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसमें हम एक सॉकेट को निकाल देते हैं, यहाँ पर इसके अंदर ऐसे पेचकस डाला पतला सा, इसके अंदर ऐसे डाला और इसको हमने प्रेस कर दिया। ठीक, तो ये सॉकेट निकल गया। ठीक, और इसको हम लगाना है तो इसको इस तरीके से पत्ती को थोड़ा ऊपर करके लगा सकते हैं। ठीक, अब हमने इस तरीके से यहाँ पर पत्ती बना लिया है कि यहाँ पर इसमें हम सेट कर सकें यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हमने क्या किया, इसको हमने इसमें सेट कर दिया। ठीक, और ये वायर जो है हमने छील करके इसमें चाहेंगे कि इसमें हमने इस तरीके से ये कर दें। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं थोड़ा सा टेप लगा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर टेप लगा दिया। ठीक,
और आपको जब करना है तो आपके पास हो सकता है ऐसा सर्किट ना हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर कट करके दोनों वायर को इस साइड उस साइड जोड़ दिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब इस सॉकेट को हम इधर लगा देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इस सॉकेट को टेप लगा करके इस तरीके लगा दिया, और इसको अपनी सहूलियत के अनुसार क्या है कि हमने इसमें यहाँ पर टाइट कर दिया, क्योंकि ये गाड़ी 125 सीसी है, ठीक। और यहाँ पर कोई टच ना हो, यहाँ पर भी टेप लगा दें, या तो इस तरीके घुमा करके टेप लगा दें, और या तो फिर आपको ऐसे दूर रखना है, इसको टाइट करके दूर रखना है, कहीं टच ना हो, ठीक, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जैसे गाड़ी स्टार्ट करना है सुबह सुबह, ठीक, तो हमको ये ऑन रखना है, ठीक है। और जिस समय यानी हमको चलाना है उस समय इस तरीके से आप कर देना है, ठीक। तो जब जब हमको यानी, ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके से क्या होगा कि आप जिस समय आपको सुबह सुबह स्टार्ट करना हो उस समय आपने पुश किया, खींच लिया बाहर को, और आपकी बाइक स्टार्ट हो गई। फिर शाम को भी ऐसा किया, और फिर आपको दिन भर के लिए, आपको दिन भर के लिए बंद कर देना है, जिससे कि आपकी बार बार जो रेस बढ़ने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम चाहेंगे भाई कि हमारा जो भी अनुभव था हम सभी, आप सभी भाई लोगों को बताएं, और चाहेंगे दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।